हेलो दोस्तों, मैं प्रसन्न मैथिली यूनिकेटर में आपको स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि अगर आपका एक फ़ोन चोरी हो जाए या आपका एक फ़ोन खो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। उस वीडियो में हम ये भी बात बोले थे कि फाइंड माई डिवाइस को यूज़ करके आप आपका फ़ोन का लास्ट लोकेशन या आपका फ़ोन का कोई भी डाटा को इरेज कर सकते हैं या आपका फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। तो ये मैं बोला था उस वीडियो में कि फाइंड माई डिवाइस को कैसे यूज़ करना है, उस यूज़ के बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि फाइंड माई डिवाइस को कैसे यूज़ किया जाता है या कैसे आप अपने उसको यूज़ करके कैसे आप अपने मोबाइल का लास्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करें कि फाइंड माई डिवाइस को आप यूज़ कैसे करें। इससे पहले बोल दें, अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए। ऐसे ही अगर आप एक स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बहुत सारा वीडियो आने वाला है, जो वीडियो देख के आप स्मार्टफोन को बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं और बहुत स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। स्मार्टफोन को अभी तक 99% लोग सही तरीके से यूज़ नहीं करना जानते होंगे, तो हम आगे भी बहुत सारा वीडियो लाएंगे कि स्मार्टफोन को कैसे स्मार्ट तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलते फाइंड माई डिवाइस के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो फाइंड माई डिवाइस है उससे आप अपना फ़ोन का लास्ट लोकेशन को पता कर सकते हैं या आपका जो भी डाटा है वो इरेज कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन खो जाता है या आपका फ़ोन चोरी होता है तो आपका मोबाइल पे जो भी डाटा होता है वो बहुत ही जरूरी आपका अगर डाटा है या आपका जो मेल आईडी में बहुत सारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो आप और आपको उसको लॉग आउट करना चाहते हैं या आपका फ़ोन को बिल्कुल ही लॉग आउट करना चाहते हैं, जो कि कोई अगर किसी को वो फ़ोन मिले वो यूज ना कर सके, तो उसके लिए आपको फाइंड माई डिवाइस को यूज़ करना चाहिए। अगर आपका पास एक स्मार्टफोन है तो आप फाइंड माई डिवाइस को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपका एक जो ईमेल आईडी आपके मोबाइल में वो ईमेल आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन कर दीजिए। उसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका कभी फ़ोन चोरी हो जाए या आपका फ़ोन कहीं पर भी खो जाए तो आपको और किसी के मोबाइल में फाइंड माई डिवाइस को इंस्टॉल करके आपका जो आपका मोबाइल में मेल आईडी था उसको मेल आईडी को आप डाल के आपका मोबाइल को लास्ट लोकेशन पता कर सकते हैं या कोई भी डाटा को इरेज कर सकते हैं या आपका मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई मोबाइल नहीं है तो आप एक सिस्टम से या पीसी से या लैपटॉप से भी आप ये सब काम कर सकते हैं। मैं आपको लैपटॉप में एक करके बताऊंगा कि फाइंड माई डिवाइस में के जरिए आप कैसे अपना फ़ोन को पता कर सकते हैं या आपका डाटा को इरेज कर सकते हैं या आपका जो भी मोबाइल में जो भी लॉग आउट कर सकते हैं, जो भी ईमेल आईडी है या आपका मोबाइल को बिल्कुल बंद करा सकते हैं। इसके लिए आपका फ़ोन में जो भी डाटा ऑन होना चाहिए, जब भी आपका डाटा ऑन होता है तो आप ये सब कर सकते हो। तो चलते हैं लैपटॉप में मैं आपको पूरा प्रोसेस करके बताता हूँ कि फाइंड माई डिवाइस के थ्रू आप कैसे अपना मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है, वहाँ पर टाइप करना है फाइंड माई डिवाइस। जब भी आप फाइंड माई डिवाइस को सर्च करेंगे तो जो पहला ऑप्शन आएगा आपको फाइंड माई डिवाइस गूगल को ओपन करना है। जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है आपका जो मोबाइल में मेल आईडी था इसी मेल आईडी में आपको लॉगिन करना है। तो मेरा सेम मेल आईडी है तो मैं आप ये मेल आईडी देख सकते हैं, सेम मेल आईडी है। तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल का जो भी मॉडल नंबर है वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, यहाँ पर आप तीन ऑप्शन देख रहे हैं। प्ले साउंड, इसका मतलब अगर आपका मोबाइल अगर साइलेंट हो गया है तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते तो 5 मिनट के लिए आपका मोबाइल साइलेंट से हट जाएगा। और जो दूसरा ऑप्शन है सिक्योर डिवाइस, सिक्योर डिवाइस का मतलब है अगर आपका एक मोबाइल है और वो आपका मोबाइल गुम हो गया है या चोरी हो गया है और आपका मेल आपका जो ईमेल आईडी में बहुत सारा डॉक्यूमेंट जरूरी डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आपका जो जीमेल अकाउंट है उसको लॉग आउट कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर पर आता है इरेज डिवाइस का मतलब यही होता है अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए, आपका फ़ोन गुम हो जाए तो आपका मोबाइल में जो भी सब डाटा था तो आप यहां से इरेज कर सकते हैं। एक क्लिक में आपका मोबाइल के जो भी डाटा है वो सब इरेज हो जाएगा। तो चलते हैं लास्ट लोकेशन के लिए। अगर आपका मोबाइल कहां पे लास्ट लोकेशन देखने के लिए यहां पे एक लोकेशन बॉक्स ओपन हुआ है, आप वो लोकेशन बॉक्स में देखिए। मेरा अभी यहाँ पर देखिए मोबाइल का ऑप्शन है, मेरा मैं यहीं पे हूँ और मेरा मोबाइल भी मेरे पास ही है तो ये लोकेशन यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए ये सब होगा अगर आपका मोबाइल डाटा के साथ कनेक्ट होगा, इसमें नेट ऑन होगा तो ये आप ये सब यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल का जो भी मॉडल नंबर है और आपका जो भी मोबाइल का लास्ट लोकेशन भी यहाँ से पता कर सकते हैं। तो इससे आप फाइंड माई डिवाइस को आप इससे यूज़ कर सकते हैं।
एक कुछ सिंपल स्टेप था, इस स्टेप को यूज करके आप फाइंड माई डिवाइस को यूज करके आप आपका जो भी मोबाइल चोरी हो जाता है या खो जाता है उसको आप बिल्कुल बंद करा सकते हैं, इरेज करा सकते हैं और जो भी सिस्टम है सब करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्योंकि आगे जो भी हम स्मार्टफोन के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको ऐसा है और आप वो वीडियो को पहले देख सके। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त लोगों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करिए, सबको पता चले कि स्मार्टफोन को कैसे स्मार्ट तरीके से यूज किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके।